Hello student, welcome to Learn On, Learn Everything Online. I am Deepak Chaudhary, your mathematics teacher. आज जो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लॉगरिथम. तो लॉगरिथम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो है ना. तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है, लॉगरिथम. ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा. क्यों? क्योंकि इसके जो है इसकी एप्लीकेशन जो होती है बहुत यूज़ होती है. इसमें इनइक्वालिटी आती है, तो लॉगरिथम इनइक्वालिटी के नाम से आप जानती होंगे ना. तो एलजेब्रा में ये मतलब बाकी जो लेसन्स है उसमें बहुत हेल्पफुल करता है. और लॉग का एक हाथ दो क्वेश्चन कभी आ गया तो आ गया, बट इसकी एप्लीकेशन हमेशा ज़रूर आती है. बात समझ में आ गई. तो आज हम जो है ना बेटा लॉगरिथम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, ओके. तो लॉगरिथम होता क्या है ना, बच्चों को ना लॉग के से ना बहुत डर लगता है कि लॉग होता है क्या है ना वगैरह वगैरह. तो हम लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, लॉग कहते हैं. ठीक है, तो अब बच्चों के मन में एक फोबिया बना हुआ है, अरे यार लॉग 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 है ना. कभी कई बच्चों को समझता ही नहीं है लॉग क्या होता है ना. जनरली मैं जिन स्टूडेंट से मिलता हूँ जो वीक स्टूडेंट होते हैं लॉग को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं एकदम, है ना, कि नहीं लॉग तो पढ़ना ही नहीं है. बात समझ में, बिना लॉग के जेई थोड़ी निकल सकती है ना, बिना लॉग के जेई निकल ही नहीं सकती. एक ही फंडामेंटल मैथमेटिक्स के रूप में भी हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. बात समझ में. तो लॉग होता क्या है ना, उस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हम जो लॉग पढ़ेंगे तो लॉग में बेटा ना सबसे पहली बात होती है कि हम लोग एक पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे. क्या मैंने बोला, एक पॉजिटिव रियल नंबर. तो हम लोग क्या करते हैं, लेट है ना, कोई भी एक नंबर पॉजिटिव ले लेते हैं. लेट एन बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर. हमने मान लिया कि n क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है. और जो लॉग है ना बेटा वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही डिफाइन होता है, किसी नेगेटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है ना. तो लॉग जो है किसी पॉजिटिव का ही होगा. तो अभी लॉग होता क्या है उसके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम सबसे बात करते हैं कि n भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है. तो n कैन बी है ना, तो नाउ देन n कैन बी represented by तो हम ना उस पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पहला कौन से फॉर्म में बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. और दूसरा होता है जिसका नाम है लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म. यानी किसी पॉजिटिव रियल नंबर को हम टू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्म. सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं ना. मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ. क्या लेके चल रहा हूँ आपको लोगों, एक प्यारा सा एक एग्जांपल समझाता हूँ. आप ना मन में एक प्यारा सा एक पॉजिटिव रियल नंबर ले लो. आज के दिन में लेट मैं मान लेता हूँ कि वो प्यारा सा पॉजिटिव नंबर रियल नंबर क्या है, 36 है. क्या है, 36 है. तो 36 को क्या कर सकता हूँ मैं, दो भागों में मतलब टू फॉर्म में को रिप्रेजेंट करना है. मैंने क्या कहा कि मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और उसे मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. तो सबसे पहले ना बेसिक तरीके से हम सोचते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं प्यार से 6 square = 36. क्या बोला मैंने, 6 square = 36. यानी 6 की कितनी डिग्री, 2 degree = 36. ये जो बेटा है ना ये जो ये 2 लिख रहा हूँ ना, 6 square, तो ये 2 को हम क्या क्या बोलते हैं, 2 को ये हमारे लिए आज के दिन क्या है, पावर भी बोलते हैं, है ना. ये पावर के नाम से भी जाना जाता है, ये इंडेक्स के भी नाम से जाना जाता है, ये डिग्री के नाम से भी जाना जाता है, है ना, और एक एक्सपोनेंट के नाम से जाना ही जाना जाता है ना. तो एक्सपोनेंट के नाम से भी जाना जाता है, एक्सपोनेंट. बात समझ में सकते, एक्सपोनेंट के भी नाम से जाना जाता है. क्लियर हो गया, समझ में आई कि नहीं आई बात समझ में, है ना. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 6 की 2 डिग्री कितना है, 36 है. 6 की पावर 2 कितना है, 36 है. तो एक मैंने 36 जो पॉजिटिव रियल नंबर था उसे मैंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. तो ये जो फॉर्म हो गई वो हमारी कौन सी हो गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, है ना, एक्सपोनेंशियल, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. बात समझ में. सर अब लॉग में कैसे लिखेंगे ना, इस बात को लॉग में लिखना है तो ध्यान सुनना बेटा, किसका लॉग निकाल रहे हैं हम लोग, लॉग की बात चल रही है. तो क्या आ जाएगा, लॉग
है ना, log किसका log, किसकी बात चल रही है, n 36 की, तो log 36 है ना, बेस में 6, log 36 6 की कितनी डिग्री, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में, समझ में? अब देखो मेरे पढ़ रहे हो ना, 6 की 2 डिग्री 36, 36 6 की कितनी डिग्री, 2 डिग्री। बात समझ में, समझ में? आपको आज के दिन भी ये 6 क्या है बेटा, बेस है, 16 क्या है, बेस है, एन क्या है, एक नंबर है, यहां भी तो 6 के किस में कहलाएगा, बेस, ये भी तो बेस ही हो गया ना, और ये क्या हो गया, नंबर एन हो गया, और ये अपना रिजल्ट 2 हो गया, ये कितना आ गया हमारा, पावर आ गया, पावर डिग्री आ गया, एक्सपोनेंट आ गया। बात समझ में, समझ में आ रही है? अब ध्यान सुनो ना, मेरे बोलने का तरीका देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 की 2 डिग्री 36, और यहाँ पे 36 6 की 2 डिग्री, जस्ट अपोजिट बोल रहा हूँ, यहाँ पे 6 की 2 डिग्री कितनी है, 36 है, और 36 यहाँ 6 की कितनी डिग्री है, 2 डिग्री है, है ना। तो अगर आप देखो तो ये जो लॉगरिथमिक जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म जस्ट इसका क्या है, अपोजिट है, जस्ट अपोजिट का मतलब उल्टा है। देखो ना, 6 की 2 डिग्री 36 और 36 6 की 2 डिग्री, इसका मतलब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एंटी लॉग भी बोलते हैं, तो ये एंटी लॉग भी बोला जाता है। जिस दिन मुझे इसका एंटी लॉग लेना पड़ा, तो इन्हें लॉग को हटाना पड़ा, एंटी लॉग मतलब क्या होता है, लॉग को हटाना, और जिस दिन मैं लॉग को हटाऊंगा, 6 किसके बेस चरणों में चला जाएगा, 2 के, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर इक्वल टू 36। बात समझ में, समझ में? जिस दिन लॉग हटेगा उस दिन 36 क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी बात को ना, इसी बात को क्या कर लेते हैं हम लोग, इन जनरल लिख लेते हैं, है ना, इन जनरल में लिख लेते हैं। अच्छा, इन जनरल में कैसे लिखेंगे, है ना, जनरल मतलब हम फार्मूला बना लेंगे, है ना भाई। तो मैंने क्या बोला, एन क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, है ना। अच्छा, अगर मैंने लिखा कि कोई बेस ए है टू द पावर एक्स क्या है, एन है, तो इसको मैं लॉग में कैसे लिखूंगा बेटा, लॉग एन बेस ए इक्वल टू एक्स। बात समझ में, समझ में? यहाँ एक्स ए की कितनी डिग्री, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू एन, तो एन ए की कितनी डिग्री, एक्स डिग्री। बात समझ में, समझ में? इसको रीड कैसे करते हैं हम लोग, रीड कैसे करते हैं बेटा, रीड एस है ना, रीड एस कैसे रीड करते हैं इसको हम लोग, रीड एस ए टू द पावर, है ना, है ना, ए टू द पावर, ए टू द पावर एक्स इज एन, और यहां पे क्या बोलेंगे, लॉग ऑफ एन टू द बेस, टू द बेस ए इज एक्स। बात समझ में, समझ में? तो ये जो है ना, पढ़ने का थोड़ा सा एक क्या आता है, अपना तरीका आता है। बात समझ में आ गई? उम्मीद है कि लॉग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्या आया होगा, समझ में आया होगा, है ना। आपको पता ही होगा, अगर एंटी लॉग लेना है तो इसको बोलेंगे, तो इसको हम एंटी लॉग में क्या पढ़ सकते हैं, एंटी लॉग ऑफ एन, है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना, एंटी लॉग ऑफ एन, क्योंकि लॉग लॉग एन है, तो ये एंटी लॉग ऑफ एन आ जाएगा। क्लियर हो गया? उम्मीद है कि आपको ये क्या आ रहा होगा, समझ में आया होगा। तो मैंने आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर, जिसको जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म में, मैंने आपको फॉर्म में दिखा दिया कि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्या आया होगा, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। तो फटाफट क्या कर लो, आप इसको कॉपी कर लो ना, कॉपी कर लो, ओके। नेक्स्ट, अभी आपने कॉपी कर लिया, हमने पढ़ी कि लॉग क्या होता है, लॉग क्या हो रहा था कि किसी कोई पॉजिटिव रियल नंबर n है, है ना, n टू द बेस अगर a ले रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, x आएगा। अगर a टू द पावर x इक्वल टू n है तो वो लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा, लॉग n टू द बेस a इक्वल टू x। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो लॉग है, लॉग मतलब अभी हमने जो डिस्कस किया बेटा, हमने क्या कही कि जो लॉग एन बेस ए, यही तो लॉग है ना, इसकी वैल्यू एक्स आ रही होगी, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। बात समझ में, समझ में? ये डिफाइन कब होगा, है ना। अब लॉग डिफाइन का मतलब ये जीवित कब रहेगा, ठीक है। अरे कुछ चीज डिफाइन कैसे होती है, मतलब इसकी रियल वैल्यू आना चाहिए। अब बात समझ में, समझ में? तो एन क्या है हमारे पास, रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये लॉग डिफाइन कब होगा, लॉग अपनी वैल्यू कब देगा, है ना। तो उसके लिए हम बात करते हैं, लॉग एन बेस ए इज डिफाइंड, डिफाइंड ये डिफाइंड होगा इफ
इफ। कब बेटा? इसमें आपको तीन बातें याद रखनी है। कौन कौन सी बातें? कि n जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अभी हमने बात ही की है कि n क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, और पॉजिटिव रियल नंबर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, n इज ग्रेटर देन जीरो। दूसरी बात कि बेस निगेटिव नहीं चाहिए, बेस इज ऑल्सो इज ग्रेटर देन जीरो। अब बेस निगेटिव क्यों नहीं चाहिए मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और तीसरी बात कि बेस मुझे निगेटिव के साथ में अगर पॉजिटिव चाहिए तो उसमें भी मुझे वन नहीं चलेगा, ठीक है। तो लॉग क्या कहता है कि लॉग कहता है कि जब तक ये तीनों कंडीशन मेरे लिए सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा। एग्जिस्ट नहीं करूंगा का मतलब मैं डिफाइंड नहीं होऊंगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि n इज ग्रेटर देन जीरो क्योंकि लॉग पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, दूसरी बात कि जो बेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और तीसरी बात कि जो a है मतलब बेस जो है वो नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। तो ये तो आप पहली बात समझ ही गए क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही लॉग के डेफिनेशन में कि लॉग इज डिफाइंड एनी पॉजिटिव रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये तो आपको पता ही है कि लॉग जो है हमारे किसमें, यानी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही डिफाइंड है। अब ये आप ये बात आ गई कि a मतलब कौन हो गया बेटा, ये तो बेस है ना, बेस तो बेस कैन नॉट बी निगेटिव। इस बात को अपन लिख लेते हैं है ना, नोट में इस बात को लिख लेते हैं। नोट में क्या है कि बेस कैन नॉट बी नेगेटिव है ना, कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ए इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए मैं हर चीज के बारे में बताऊंगा आपको। बेस नेगेटिव हुई क्यों चाहिए, क्यों? क्योंकि बच्चा कभी, एक बच्चा मुझसे कहता है कि सर अगर किसी ने माइनस टू टू दी पावर एक्स लिख दिया है ना, सॉरी माइनस टू टू दी पावर टू लिख दिया तो इसका आंसर तो फोर आ रहा है सर, रियल आ रहा है सर आंसर। अगर आप ऐसा लिखना चाहोगे माइनस टू टू दी पावर टू इक्वल टू फोर तो ये आंसर रियल आ रहा है सर, इसमें कहाँ मतलब रियल वैल्यू नहीं आ रही। मैंने बोला बेटा जब तक तुझे पता है कि माइनस टू, ये तो बेस हुआ कि नहीं हुआ बेटा, मैंने बेस क्या लिया अभी निगेटिव लिया, जब तक तुझे पता है कि जो बेस की वैल्यू क्या होगी, मतलब आपने अगर मान लो लिख दिए माइनस टू टू दी पावर वन लिख दिए तो इसकी वैल्यू माइनस टू, और माइनस टू क्या है कि रियल नंबर है, जब तक तुमको पता है कि इसकी वैल्यू रियल आ रही है तब तक तो कहानी ठीक थी। कहानी क्या थी, ठीक थी, हमने क्या ले ली, बेस लेट ए इक्वल टू माइनस टू ले लिए, बस समझ में तब तक तो कहानी ठीक है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी रियल आया तो डिफाइन हो सकता था है ना, बच्चों ने मुझसे बोला। बट अगर मैंने मान लो ऐसा मान लिया लेट माइनस टू टू दी पावर एक्स इक्वल टू, मुझे पता नहीं है अभी, पता नहीं है ठीक है, अगर मैंने एक्स की वैल्यू वन लिया तो आपने क्या बोले माइनस टू आया सर, अगर एक्स की वैल्यू टू लिया तो कितना आया, फोर आया। पर अगर मैं कभी x की वैल्यू अगर मैं वन बाई टू ले लूं, मैं क्या ले लूं, अगर x की वैल्यू वन बाई टू ले लूंगा तो मेरे पास जो हो जाएगा माइनस टू टू दी पावर वन अपॉन टू आ जाएगा, और किसी भी नंबर की पावर वन अपॉन टू का मतलब होता है रूट में माइनस टू आ जाना, और रूट माइनस टू क्या हो जाएगा, टू आयोटा हो जाएगा, और टू आयोटा रियल ना होके क्या है बेटा, इमेजिनरी, क्या है, इमेजिनरी। और इमेजिनरी अब तो रियल वैल्यू आई क्या, नहीं, इसलिए बेस हमें नेगेटिव डिफाइंड नेगेटिव नहीं चाहिए, क्योंकि बेस अगर नेगेटिव हो गया और पावर 1 बाई टू आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, तो हमारा जो आंसर है वो इमेजिनरी आ जाएगा, रियल ना आने के बजाय तो वो डिफाइंड नहीं होगा। बात समझ में, कि समझ में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है ना, बात समझ में कि बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, क्लियर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए ही पॉजिटिव क्यों लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब तक हमको वैल्यू पता है तब तक ठीक है ना, पर अगर कभी आपका जो पावर है x की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई तो फ्रैक्शन में आने से ना हमारा जो रिजल्ट है वो इमेजिनरी हो जाएगा, और इमेजिनरी हो जाने से वो रियल नहीं होगा, तो हमारा लॉग क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। बात समझे समझ में, इसलिए पॉजिटिव हमारे को बेस क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अच्छा, ए कैन नॉट बी नेगेटिव, ए कैन नॉट बी इक्वल टू वन, ए वन के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, दिमाग लगाते हैं। अभी हमने क्या पढ़े, अभी जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने ना बेटा, अगर किसी ने लिख दिया लॉग फोर बेस टू, इसका आंसर क्या होगा मेरे को बताओ आप। लॉग हमने पढ़े कैसे थे, जो फोर है वो टू की कितनी डिग्री है, मुझे बताओ, फोर टू की कितनी डिग्री है, टू है, तो आंसर कितना आता, टू आता, डिफाइंड है कि नहीं है, बात समझ में, समझ में। अगर किसी ने क्वेश्चन लिख दिया लॉग 81 बेस 3 लिख दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 81 3 की कितनी डिग्री है,
81.3 की 4 डिग्री है, तो आंसर कितना आता, 4 आता। बट किसी ने अगर बेस में मान लो ऐसा लिख दिया, है ना, एग्जांपल समझा रहा हूँ आप लोगों को, एग्जांपल, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कि अगर किसी ने लॉग 81 बेस में 1 ले लिया, क्या ले लिया बेटा, 1 ले लिया, ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, इसका आंसर बताओ, 81 1 की कितनी डिग्री, आप 1 की कितनी भी डिग्री करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 81 जो 81 है वो कैन नॉट बी इक्वल टू 1 टू द पावर x, ये पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉट डिफाइंड, पॉसिबल ही नहीं। आप देखो ना 81 1 की कितनी डिग्री है, 1 की कितनी भी डिग्री करेंगे आप तो मिनिमम आंसर तो 1 ही आना है। तो 81 अगर आप मुझे बताओ x की आप कोई भी वैल्यू रख लो तो क्या 81 1 के बराबर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए बेस में 1 बिल्कुल नहीं चाहिए। बस समझ में आ गई, क्लियर हो गया, तो बेस में हमको 1 चाहिए नहीं, इसलिए हमने क्या लिख दिया कि a नॉट इक्वल टू 1। अब देख लो ना, अगर आप 2 के जगह 1 लिख लो, यहाँ पे लिख लो log 4 बेस 1, तो 4 1 की कितनी डिग्री हमको पता ही नहीं है, तो ये आ जाएगा क्या, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1 की कितनी भी डिग्री आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर हो गया, उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट आया होगा समझ में आया होगा। तो ये जो बात मैंने आपको बताया, ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही पूरी कहानी बनी हुई है। क्या कहानी बनी हुई है कि लॉग डिफाइंड कब होता है, तीन बातों पे, है ना, तीन बातें जब तक उसकी क्लियर नहीं होगी, पहला कि n पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और तीसरी बात कि बेस जो है नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। जब तक ये तीन बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस पे जो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है इस पे ही डिपेंड करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादातर इस पे ही डिपेंड करती है, बाकी तो और रूल पढ़ेंगे हम लोग वो अलग बात है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया, तो यहाँ तक आपको जो समझ में आ गया होगा तो फटाफट इसे क्या करें आप, कॉपी करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस से आप देखिए, ठीक है, और जो चीज़ समझ नहीं आता प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा, ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा, है ना, तो आगे चलते, तो फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए, है ना। आगे चलते हैं, आगे देखो आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सब फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि log 512 टू द बेस 8 कितना होगा। तो अगर मैंने आपको जो चीज सिखाया उस सिखाने से क्या हो जाएगा कि 512 है ना 8 की कितनी डिग्री है, जो बच्चा ना बिल्कुल समझदार बच्चा है बिल्कुल सॉल्व कर लेगा कि 512 जो है 8 का क्या है, क्यूब है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बात समझ में। फिर उसी प्रकार 81 3 की कितनी डिग्री है, 4 है, फिर 4 जो है 2 की कितनी डिग्री है बेटा, 2 है, फिर 4 रूट 2 की कितनी डिग्री है, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 2 की डिग्री कितनी है, 2 है, 4 रूट 4 की डिग्री कितनी है, क्योंकि जब एक बार स्क्वायर करोगे तो 2 मिलेगा, फिर एक बार स्क्वायर करोगे तब जाके 4 मिलेगा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब मेरे को बताओ 1/4 4 की कितनी डिग्री है, 1/4 4 का क्या है, रेसिप्रोकल है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, -1 हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, 125 इसका कितना है, 6 आ जाएगा, कैसे, जब आप रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 मिलेगा, और 5 का क्यूब करने पे 125 मिलेगा, इसका मतलब इस 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 81 कितनी डिग्री है, 1 डिग्री है, 3 की कितनी डिग्री है, 1 डिग्री है, 8 1/2 की कितनी डिग्री है, -1 है, क्यों, उसका रेसिप्रोकल है। 1/2 की कितनी डिग्री है, भाई बताओ 1 कभी भी किसी भी नंबर की डिग्री कितनी आता है, 0, याद आ रहा है आपको कि अगर किसी भी डिग्री की किसी भी नंबर है ना x टू द पावर 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, यानी किसी की भी डिग्री आप 0 कर दो, है ना, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार 4 की डिग्री 0 करेंगे तो उसका भी आंसर कितना आएगा, सॉरी 1 4 की कितनी डिग्री है, 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बस समझ में। तो ये हमें डिग्री डिग्री खेलते हैं, क्या करते हैं हम लोग प्यार से डिग्री डिग्री खेलते हैं, तो ना अमीर बच्चा ना अच्छे से कर लेता, पर गरीब बच्चा, ठीक है, अपनी है ना भाई, डिग्री डिग्री खेलना नहीं आता, उसके लिए भी दूसरी मेथड है ना। तो मैं ना इस प्यारे से क्वेश्चन को समझाता हूँ ना, दूसरे मेथड से, अनदर मेथड से समझाता हूँ, ठीक है। तो अनदर मेथड क्या है हमारे पास, प्यार से लिखते हैं अपन यहाँ पे, अनदर मेथड, अनदर मेथड, बात समझ में आई, अनदर मेथड क्या है हमारे पास, वो देखो बेटा, हमको इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू पता है क्या मुझे बताओ, नहीं पता। अगर हमको किसी चीज की वैल्यू नहीं पता होती है तो हम क्या करते हैं, उसे क्या मान लेते हैं, एक्स, तो लेट
लेट लॉग 125 रूट 5 इक्वल टू x. मैंने क्या किया, हमको इसकी वैल्यू पता नहीं थी तो मैंने इसे क्या मान लिया, x मान लिया. अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना. अब मुझे क्या पता है, मैंने को क्या लेना है, इसका एंटी लॉग लेना है ना, भी लॉग को हटाना है. और जिस दिन लॉग को हटाना होता है तो जिस दिन लॉग हटेगा उसका बेस जो है आगे वाले नंबर के चरणों में चला जाएगा. चरणों में समझते हो आप, पैरों के नीचे चला जाएगा. तो उसी प्रकार जिस दिन लॉग पे डंडी गिरेगी ना, एक डायलॉग बन जाता है कि जिस दिन लॉग पे डंडी गिरेगी उस दिन रूट फाइव एक्स के क्या हो जाएगा, चरणों में चले जाएगा. कैसे जाएगा, देखो 125 इक्वल टू एक्स के चरणों में. तो चरणों में मतलब रूट फाइव क्या रहेगा, नीचे, और उसके ऊपर कौन बैठा रहेगा, एक्स. बात समझ में आई, समझ में, ये डायलॉग बन गया क्योंकि डायलॉग से याद रहते हैं ना, ऐसे ऐसे तो याद नहीं रहेंगे. तो इस प्रकार जिस दिन लॉग हटाना हो उस दिन रूट जो बेस है उसको किसके चरणों में डाल दो, नेक्स्ट आदमी वाले के चरणों में डाल दो. तो रूट फाइव किसके चरणों में चला जाएगा, एक्स के चरणों में चला जाएगा, है ना. तो आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो 125 इक्वल टू ऑल्सो इक्वल रहेगा 5, क्या हो जाएगा बेटा, रूट फाइव का मतलब क्या हो जाएगा, रूट फाइव हो जाता है 5 टू द पावर 1/2. तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर x बाय 2. अब मुझे बताओ 125 क्या है, 5 का क्यूब है. इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर x बाय 2 ना. क्लास 8 में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नाम का एक लेसन पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे कि कभी भी ना बेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो पावर भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाए. कभी भी ना बेस इक्वल हो और बीच में सावन बीच में इक्वल टू का साइन हो तो इनकी डिग्री भी आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है. तो इससे हमें 3 इक्वल टू x बाय 2 मिल जाएगा. तो ना 2 को जब ट्रांसफर कर देंगे तो 6 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x. तो मुझे बताओ आंसर 6 आया या नहीं, आया या नहीं, है ना. तो ये ना ये गरीब बच्चों के लिए, जो मतलब जिनको डिग्री डिग्री खेलना नहीं आता, और जिन लोगों को डिग्री खेलना आता है उसके लिए तो बेस्ट है ये. बात समझ में, समझ में, उम्मीद है. अब ना अब आप देखो इतने क्वेश्चन आप लिखो, इनमें एक ऑब्जर्वेशन करते हैं. क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बेटा, ऑब्जर्वेशन करते हैं. ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, ध्यान से सुनना. ऑब्जर्वेशन की बात जब हम चल करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहली बात तो ये तो ठीक है ये किसकी कितनी डिग्री है. पर पहला ऑब्जर्वेशन देखो, लॉग अगर किसी ने एन लिया है और बेस में भी एन लिया है, यानी यहाँ पे एन और बेस में भी एन है, तो उसका आंसर कितना आ रहा है. देखो यहाँ पे 81 है और यहाँ भी 81 है, मतलब दोनों सेम है, तो उसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है. यहाँ देखो 3 है, यहाँ बेस में भी 3 है, तो आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है. इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि log n बेस टू द n इक्वल टू 1. दूसरी बात आपको दिख रहा होगा कि log अगर किसी ने यहाँ n लिखा है और यहाँ उसका रेसिप्रोकल लिखा गया है, तो आंसर देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, -1. या फिर रेसिप्रोकल लिख के उसका n लिखा गया है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, -1. देखो n का रेसिप्रोकल 1/n और 1/n का रेसिप्रोकल n, तो यानी यहाँ जो लिखा है उसका रेसिप्रोकल अगर यहाँ लिखा हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा. और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग बेस में आप कोई भी नंबर रख दो और 1 है, यानी log 1 की जो वैल्यू होती है बेस में, चाहे n रख दो, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0. देखो log 1 बेस 2 आंसर कितना आएगा, 0. क्यों, सिंपल सा एक डायलॉग है, 1 2 की कितनी डिग्री भाई, 1 की अगर 1 चाहिए तो आप किसी भी एक्सपोनेंट की डिग्री कितनी होगी, 0 होगी. कोई भी नंबर की डिग्री आप 0 कर दो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा. तो 1 4 की कितनी डिग्री, 0 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा, 0. तो ये जो 3 फार्मूले देखो हम लोगों ने खुद ही ऑब्जर्वेशन से बना लिए, हमको ये 3 फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं. टेक्स्ट बुक में फार्मूले गिवन होते हैं, याद करवाते हैं, रटवाते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं. अभी आपको जिंदगी में कभी भी ये फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको डिग्री खेलना आता है. तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, ये जो आज का लॉग का जो फर्स्ट लेक्चर है हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. आज इस लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें क्या करी, इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है मैं आपको डिस्कस करता हूँ, है ना. तो आप क्या कर लो, इसे कॉपी कर लो फटाफट. तो याद रखना नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास, रिमेंबर, है ना, रिमेंबर रखना. आज की हमने जो 4 बातें बहुत याद रखना, पहली बात कि लॉग n बेस a इज डिफाइंड. ये डिफाइंड कब होगा, डिफाइंड व्हेन, है ना, व्हेन डिफाइंड इफ n इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1. दूसरी बात हम लोग ने सीखी कि लॉग n बेस n हो तो आंसर 1 आएगा.
तीसरी बात हमने ये सीखी कि log n और वहीं उसका रेसिप्रोकल दिया हो या log 1 upon n और बेस में n दिया हो तो इसका आंसर भी माइनस वन आएगा। क्या आएगा? माइनस वन आएगा, ये माइनस वन है ना, ठीक है। और चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट कि log 1 बेस में कुछ भी हो जाए आंसर क्या आएगा? जीरो। तो ये जो आपकी जो चार बातें हैं वो इस लेक्चर की बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बात समझ में। तो ये आज चार बातें इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किए हैं, सीखे हैं, ओके। तो आपको अब जेई का हम लोग जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, तो इसमें आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और इस चैनल में आपको आगामी जितने भी वीडियोस है ना, आज से हमारा जेई का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था लॉगरिथम पे, जो फर्स्ट लेक्चर है आपके सामने है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए हमारे चैनल को विजिट करिए, लर्न ऑन, ओके। और हमारी एक साइट हम लोगों ने डिज़ाइन की है learnon.online, जिसमें आप लोग को DPPs, SEPs और क्यूज, टेस्ट सीरीज वगैरह सब क्या मिलेगी, प्रोवाइड होगी। तो जो हमारी जो साइट की जो लिंक वगैरह है जहाँ स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसकी लिंक मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। और आप जितना ज़्यादा आप मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए। अगर कुछ है, आपको यहाँ कुछ गलत लगता हो या कुछ चीज़ें आपको कुछ समझ नहीं आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे क्या है मैं आपके डाउट क्या कर सकूँ, क्लियर कर सकूँ, ओके। थैंक यू।